हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं, सॉरी, आज हम करेंट फीलिंग नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे करेंट फीलिंग आ जाएगी एक्चुअली इसमें भी, कि पास्ट में वो आपके बारे में क्या सोचते थे और अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक क्विक नहीं रहेगा, डिटेल रहेगा, लेकिन ये इतना ही आज रीडिंग में करेंगे क्योंकि करेंट फीलिंग इसमें आ जाएगी आपकी, ठीक है, आपके पर्सन की। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है कि वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए एक हम देख लेते हैं कि इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है। अगर ये चीज़ आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। चलिए, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स। करेंटली उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फैमिली इशू है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों के लिए फैमिली इशू है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कार्मिक सिचुएशन, अगर फैमिली है तो हो सकता है फैमिली कार्मिक हो, या कुछ लोगों का हो सकता है आपका खुद का रिश्ता ही कार्मिक हो। डिपेंड करता है कि आपके अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग कैसी है, बिहेवियर कैसा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिक कुछ है, टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकते हैं, कुछ है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिग हैप्पी चेंजेस। इसमें कुछ एनर्जी यहाँ पे पास्ट की होगी, कुछ प्रेजेंट की होगी, डिपेंड करता है सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हर पॉइंट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिसेंट जो आपका आने वाला टाइम है उसमें भी हो सकती है। फैमिली इशू, कार्मिक, टॉक्सिक, ओवर थिंकिंग एंड बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। सिकनेस, किसी तरीके की बीमारी कोई हो सकती है, किसी को तकलीफ हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, या फिर किसी को मेंटल इशू, मतलब मेंटल इशू इन सेंस पागल नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब ये किसी तरीके का गुस्सा करने की बीमारी है, शक करने की बीमारी है, या कुछ है, ठीक है। लस्टी बिहेवियर है, ये बीमारी। सिकनेस मतलब कोई कमजोरी, बीमारी और साथ में कोई कमजोरी बिहेवियर वाइज। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन पास्ट में आपके बारे में क्या सोचते थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आज हमें रीडिंग करनी है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स को पास्ट में कैसा इंसान समझते थे, क्या थी उनकी सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन डिटेल बताइएगा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के कैसी थी, क्या सोचते थे वो उनके बारे में, कैसे इंसान के तौर पर उनको देखते थे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। I need 5 cards. नंबर्स यहाँ पे है 2 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन आप लोगों को, या इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं अगर आप पार्टनर हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं। तो जोडेक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, विर्गो, कन्या राशि की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसमें एक्वेरियस वर्गो कन्या राशि और टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, वृषभ राशि। यस देखिए आपके पर्सन पास्ट में आपको ऐसे देखते थे, ये खुद भी थोड़े से कंफ्यूज थे, आपको सही से समझते नहीं थे, ये पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते थे, जाहिर सी बात है इनको कंफ्यूजन था। तो कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि सामने वाले को सही ढंग से ये खुद ही नहीं समझ पा रहे, इनको लग रहा है कि सामने वाला जो है उसको समझना बहुत मुश्किल है, तो ये आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज थे, इन्हें समझ नहीं आता था कि आप एक आखिर हो किस तरीके के इंसान। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे आपकी किसी भी चीज़, कभी नहीं लगता था कि आप ऐसे इंसान हो, कभी लगता था वैसे इंसान हो। ठीक है, इस तरीके से इनको लगा करता था। बाकी ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे भी मानते हैं कि आप हमेशा जगल करते रहते हो, कंफ्यूज रहते हो हर चीज़ के बारे में, कभी ना कभी मतलब। ठीक है, और एक फन लविंग इंसान हो, मतलब आप मस्त मौला तो हो अपनी ज़िंदगी में, आप एटलीस्ट अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हैं भी तो भी आप खुद को दिखाते हमेशा ऐसे ही हो कि आप एक फ़न लविंग इंसान हो, आप बहुत हैप्पी गो लकी टाइप इंसान हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं दो सिचुएशन में झूलते रहते हो, कभी भी डिसीजन सही से नहीं बना पाते हो, एक फंसे हुए इंसान हो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में। ठीक है, हो सकता है अगर आप लोगों के कास्ट और रिलीजन डिफरेंस हैं तो हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपने जो है ना अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अभी कई लेवल पे हो सकती हैं, जैसे अगर आप कास्ट रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते हो सकता है वहाँ पे आपका, सबके लिए नहीं होगा मतलब अपने हिसाब से देखना, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपके पर्सन आपको ऐसा लगता था कि आप एक जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना कहीं फंसे हुए इंसान हो, गुलाम हो किसी चीज़ के, उनको ऐसा लगता था। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आप कास्ट रिलीजन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानते हो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ फैमिली बहुत ज़्यादा रूढ़वादी जिसको कहते हैं ना वो हो सकते हो, या सोसाइटी का आपको फियर बहुत ज़्यादा है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, तो वहाँ से इनको ऐसा लगता था कि वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि हमेशा आप कन्फ्यूज़ रहते हो, आपकी आपको समझ नहीं पाते, कभी उनको लगता था कि आप उन चीज़ों से निकल के बाहर आना चाहते हो, कभी लगता था नहीं आप उन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, उसी में रहना चाहते हो। ठीक है, तो उनको कभी कभी आपके बिहेवियर में ऐसे लगता था कि आप खुद भी कंफ्यूज हो, आप उनको भी कंफ्यूज करते हो, कि कभी तो हो सकता है आपका बिहेवियर ऐसे हो, आप कहते हो कुछ नहीं होता जाति बिरादरी धर्म और ये कुछ नहीं होता, या स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती, कभी उनको लगता था कि आप एकदम ठीक पलट जाते थे और आप एकदम उन सब चीज़ों को मानने लगते थे, मतलब एनी हाउ आप बातें करते थे लेकिन आप निकल नहीं पाते थे उन चीज़ों से। ठीक है, गुलाम हो आप उन चीज़ों के, अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सेकेंड चीज़ उनकी क्या, उनको लगता था कि आप एक बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करो, आप सोचते बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में, इतना ज़्यादा सोचते हो कि आप सोच सोच के चीज़ों को ना ख़राब कर लेते हो, उनको ऐसा लगता था आपके बारे में। और आपको बहुत ज़्यादा मतलब ओवरथिंकर ही मानते थे, उनको ऐसा ही लगता था कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हो, थोड़ा सा आलसी भी मानते थे कि आपको हमेशा क्या है, आप हमेशा रिलैक्सिंग मोड में रहते हो, मतलब अपने आप को, और उन्हें यह भी लगता था कि आप ना मेडिटेशन वगैरह करते हो, अपने आप को बॉडी को अपनी रिलैक्स कर लेते हो, ये भी चीज़ उनको लगती थी कि आप अपने आप को, हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह करते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप आपको थोड़ा सा ऐसा भी समझते थे कि आप ना सॉलिट्यूड में चले जाते हो, जब भी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आप हर्ट होते हो या तकलीफ होती है, तो आपको कैसे खुद को वापस हील करना है वो आपको पता है, आप हमेशा सॉलिट्यूड में चले जाते थे। हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो कि आप चुप रहते हो, आप कम बोलते होगे, सोचते ज़्यादा हो बोलते कम हो, कुछ लोगों के लिए होगा सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जो भी है अगर आप बोलते भी हैं तो भी एक पर्टिकुलर टाइम आपका ज़रूर रहता होगा जिसमें आप सॉलिट्यूड में मतलब एकांत में चले जाते होंगे और अपने आप को हील कर लेते होंगे, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनसे मतलब। तो आपके अंदर एक उन्होंने ऐसा लगता था कि जब भी आपका रेस्टिंग टाइम होता है, अकेलापन होता है, आप मतलब एक तो हो सकता है कि आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर उनको ये लगता था कि आप मेडिटेशन रेस्ट मतलब अपनी सोल को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, सबको आप रेस्ट देते हो, उनको हील करना आपको आता है। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट होता है हील करना खुद को ना, तो ये उनको ऐसा लगता था कि जब भी आपको कोई आपको खुद से खुद को हील करना आता है, आप हमेशा एकांत में चले जाते हो और खुद को हील करके फिर वापस से आप आ जाते हो, वैसे आपको देखते थे। और ओवरथिंकर बहुत हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप चीज़ों के बारे में। द हर्मिट की एनर्जी है, आपके पर्सन को ये भी पता है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन भी आपको अच्छा खासा है, आप अपना सेल्फ इवेल्यूएशन बीच बीच में करते रहते हो, और सेल्फ इवेल्यूएशन वही आदमी कर सकता है जो सॉलिट्यूड में रहता है, जो 24 घंटे भीड़ से घिरा रहेगा, जो इंसान हमेशा कभी भी एकांत में नहीं जाएगा, वो इंसान कभी भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप भीड़ में बैठकर लोगों की बातें करते हुए आप सिर्फ जो लोग आपके बारे में कुछ अच्छा या बुरा बोल रहे होते हैं, तो अगर बुरा बोल रहे हैं तो आप उनको
उनसे फाइट कर रहे होते हो, अपना पक्ष रख रहे होते हो, और अगर अच्छा बोल रहे हो तो आप अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहे होते हो, खुश हो रहे होते हो, लेकिन आप खुद की अपनी खामियों को सही ढंग से देख नहीं सकते, मतलब आपका खुद से कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए सॉलिट्यूड, तो इसीलिए आपके पर्सन को लगता था कि आप जो हो अकेले, या तो आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हो कि जो आप बोलते ही कम हो, या फिर एटलीस्ट उनको ऐसा लगता था कि पर्टिकुलर टाइम के बाद आप एक अपनी गुफा में चले जाते हो, मतलब, और अपने आप को हील करके वापस ले आते हो, और आपको अपनी कमियां, अपनी खामियां, जो भी आपके अंदर गलतियां हैं, आपको उनके बारे में जानकारी भी है, क्योंकि आप उन चीज़ों को अपनी सेल्फ रियलाइजेशन बीच बीच में करते रहते हो, सेल्फ इवेल्युएशन अपना बीच बीच में करते रहते हो। द स्टार की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप जो हो ना एक विश की तरह हो किसी के लिए, मतलब आप किसी इंसान की ज़िंदगी में अगर जाओगे या रहोगे, उस इंसान की ऐसे लगता है जैसे सारी विशेज पूरी हो जाएंगी, सब कुछ उस इंसान को मिल जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें अपनी विश रखते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, या मैं ये करूँगी वो करूँगी, आपकी कुछ विशेज़ हो सकती हैं जिन्हें आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप जिनके पीछे आपको फेद है बहुत ज़्यादा कि एक दिन आप पूरा कर लोगे अपनी सारी विशेज को। और होप आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि जब भी आप कुछ चीज़ें जैसे ख़राब भी हैं अगर कहीं पे भी कुछ भी, तो भी आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हो कभी भी, आप एक होप हमेशा आपको बनी रहती है, आपको फेथ बना रहता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएंगे। अगर इनकेस कुछ ख़राब हो भी गया है तो भी आपके पर्सन को पता था कि आप एक ऐसे इंसान हो कि जो, जैसे मैंने बोला ना, आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हो, सेल्फ इवेल्युएशन कर लेते हो, तो जो इंसान अपनी खामियां देख लेगा, जो इंसान अपने सराउंडिंग की खामियां देख लेगा, कहाँ किस वजह से फेल्यूर हुआ, तो जाहिर सी बात है वो इंसान कमबैक भी कर लेगा। तो आपके पर्सन को ऐसा ही लगता था कि आप हमेशा चीज़ों को वापस से रिन्यू कर लोगे, मतलब इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, क्षमता है आपके अंदर, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल आप हो ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। ये कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है और ये कार्ड भी दिखाता है, ठीक है। वो आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी इंसान के ऐसे ना साथ, जिसकी ज़िंदगी में चले जाओगे ना, उस इंसान की सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी। और आप क्या है, बहुत ज़्यादा किसी भी इंसान के कितने वाइटल इंसान हो कि आप किसी भी इंसान के अपनी ज़िंदगी में, तो आप हर चीज़ को दोबारा से नया कर ही लेते हो। कोई इंसान अगर ऐसा भी है ना जिसके अंदर हीलिंग नहीं हो रखी, जो बहुत दुखी है, परेशान है, आप उस इंसान को भी खुश कर देते हो, उस इंसान को भी आप मतलब उसको हील कर देते हो, एक ऐसे इंसान हो आप, ठीक है। आप बहुत शांत हो सकते हो और होपफुल इंसान हो, मतलब एक ऐसे हो कि किसी भी इंसान को, मतलब आप हमेशा फेद रहता है आपको कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप अपना कर लोगे, मतलब आपको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये चीज़ देखते, बड़ा अच्छा देखते थे आपके बारे में, बहुत अच्छा सोचते थे पास्ट में, देखेंगे अभी क्या सोचते हैं, ठीक है। आपको हमेशा ही ऐसे तरीके से, कभी कभी आप थोड़े से लापरवाह कैजुअल हो जाते हो, जहाँ पे आप क्या ज़्यादा सोचते वैसते नहीं हो, बस आप कर जाते हो, कभी कभी आप ऐसे हो जाते हो कि जहाँ पे आप क्या इसका आउटकम निकलेगा, क्या कुछ हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, क्या कुछ आपको झेलना पड़ सकता है, वो चीज़ों के बारे में आप कभी कभी ज़्यादा नहीं सोचते हो कभी कभी, और कभी कभी आप ऐसे, इसीलिए आपके पर्सन को लगता था कि आप बहुत कन्फ्यूज होंगे, कभी तो आप ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हो, और कभी कभी फिर आप बिल्कुल परवाह नहीं करते, ठीक है, अब मुझे ये डिसीजन लेना है तो लेना है, मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके की। तो न्यू बिगिनिंग के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो। सेकेंड चीज़, आप अपनी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, ठीक है, इनोसेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, आलसी आप थोड़े ज़्यादा हो सकते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ चीज़ों पे कभी कभी आप क्या करते हो, ब्लाइंड फेथ करते हो, ब्लाइंड फेथ जहाँ पे होता है ना, अंधविश्वास, जहाँ पे अंधविश्वास का मतलब नहीं, तो ब्लाइंड फेथ मतलब कोई पर्सन हो सकता है किसी के ऊपर आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो और फिर ब्लाइंडली आप भरोसा करते हो, आप इस तरीके के इंसान हो। एडवेंचर वगैरह हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आती है उसको ग्रैब कर लेते हो, कई बार प्लेजर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं से भी, अगर कुछ चीज़ें अगर आपको खुश रख रही हैं तो आप उन चीज़ों के लिए भी आप आगे बढ़ के आते हो। इस तरीके से आपके पर्सन को कभी कभी आपकी पर्सनैलिटी है, हमारे व्यूअर्स की कितने लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी है बताना, कि आप पर्टिकुलर कभी टाइम में कभी आप बहुत ओवरथिंकर हो जाते हो, फिर कभी कभी आपको लगता है चल छोड़ यार, जाने देते हैं, चलो करके देखते हैं क्या होता है, इस टाइप की एनर्जी। कभी आपकी ऐसी एनर्जी कि जहाँ बहुत शांत है, कभी आप बहुत चंचल हो जाते हैं, इस तरीके की एनर्जी आपकी है। तो आपकी पर्सनालिटी रियली डबल टाइप की है, जिसमें आपके पर्सन खुद भी आपको लेकर के कभी कभी कंफ्यूज होते कि आखिर हो किस तरीके के इंसान, और आपको खुद भी मानते भी ऐसे ही थे कि आप कंफ्यूज रहते हो थोड़े से, ठीक है, आप हो पर्सनालिटी, आपको समझना बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियस हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके पास फाइनेंसिस नहीं है, या आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मिजरीज हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में, उन्हें ऐसा लगता था। और
आप हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूजिंग बिहेवियर की वजह से हो सकता है आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, या आपने मिस कर दी हो, आपके पास बहुत सारे प्रपोजल अपॉर्चुनिटी रहे हों, लेकिन आप कभी भी सही ढंग से, क्योंकि चीज़ों को एनालाइज मतलब उस चीज़ को कन्फ्यूज़न में आप बने रहे, या तो ओवर थिंकिंग कर लिया या फिर बहुत कैजुअल बिहेवियर कर लिया, तो उस चक्कर में आपने ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में हो सकता है मिस करी हो, उन्हें ऐसा भी लगता है। ठीक है, किसी तरीके का कर्मा बैलेंस करने के बारे में भी यहाँ पे लगता है। ठीक है, हो सकता है आप जजमेंट बहुत अच्छा करते हो चीजों के लिए, आपके पर्सन हो सकता है आपको ऐसे इंसान के तौर पे भी देखते हैं। कुछ लोगों के लिए तो अगर ये नाराज होंगे तो हो सकता है आपसे किसी तरीके का कर्मा डिमांड करते हो आपके लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। अदरवाइज उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी इंसान के ऊपर दया बहुत जल्दी करते हो, आपको फॉरगिवनेस, आपको लोगों को माफ़ करना भी आता है। ठीक है, आप माफ़ कर देते हो बहुत जल्दी लोगों को, जजमेंट वगैरह आप बहुत अच्छा कर लेते हो सकता है लोगों को, अगर कहीं लड़ाई झगड़े कहीं हो रहे होते हैं तो आप न्याय बहुत अच्छा कर लेते हो चीज़ों के बारे में, ये चीज़ है। पास्ट में हो सकता है आपके ये पर्सन या तो आपको प्यार भरा कप देना चाहते थे या आपसे लेना चाहते थे, बट यहाँ पे मदर इशू हो सकते हैं, इस वजह से फैमिली इशू रहे हों, काम को लेकर के कुछ इशूज रहे हों, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी अब आपको लेकर के क्या है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, पास्ट की एनर्जी अगर मैच हुई है तो ये प्रेजेंट भी फिर आपसे मैच करेगा। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, अब ये हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज डिवाइन बताइए, कैसे पर्सन के तौर पे बेसिकली देखते हैं, हमें ये जानना है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन अब हमारे व्यूअर्स को किस तरीके के इंसान के तौर पे देखते हैं, या क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, सब बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। मदर इशू, मूड स्विंग्स, लोग आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले भी थे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ये अभी भी हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व अभी हुई नहीं है आपकी। द मून की एनर्जी पहले भी थी, मूड स्विंग्स को लेकर के, ओवर इमोशनल होने को लेकर के, या जो भी चीज़ें थी इन सब चीज़ों को लेकर के पहले भी इशूज़ थे, अभी भी इशूज़ हैं। तो यहाँ पे फाइनेंसिस वगैरह अगर कहीं इशू था तो वो भी अभी भी है, उसके लिए भी वेटिंग अभी चल ही रही है। 3 नंबर 18 नंबर 9 नंबर 13 नंबर 4 नंबर 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे अभी आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छी पोजीशन पे हो, आप बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत हो गए हो, अब आपके कपड़े वगैरह पहनने का तरीका, लुक्स वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह सब बहुत चेंज हो गया है, बहुत अच्छे लगने लगे हो, अब आप अपने पर्सन को आकर्षित बहुत करते हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, वेटिंग एनर्जी है, ये आपकी तरफ आने के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपकी तरफ से किसी अप्रूवल चाहते हैं ये, क्योंकि चीज़ों को ये रीबर्थ करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, और ये पहले से भी, क्योंकि ये बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते थे पहले भी, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ये अभी भी चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, फिर से ये वापस से चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हुए देख रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं आपके, मतलब आप पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ आपके पास है, मतलब अल्टीमेटली ये आपकी तरफ बहुत आकर्षित हैं, तो ये वापस से सिर्फ से एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और इनको खुद भी लगता है कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, आप सिरे से बदल गए हो, आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हो, आप बहुत बदलाव आपके अंदर आ गया है। ठीक है, पहले हो सकता है आप अपने पर्सन के ऊपर, जैसे आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हो, कि पहले आप कम बोलते थे, या जैसे मैंने बोला ना सेल्फ रियलाइजेशन और इस तरीके की चीज़ें, हालांकि क्या उनकी एनर्जी पहले भी आपको लेकर के अच्छी ही थी, ख़राब नहीं थी, लेकिन अब वो आपके अंदर आकर्षण ज़्यादा देख रहे हैं, कि अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, बहुत ज़्यादा करेजियस हो गए हो। ठीक है, पहले आप क्या करते थे, हो सकता है हर्ट हो जाते थे तो आप बैक स्टेप ले लेते थे, कंफ्यूज रहते थे और अपनी गलतियाँ ढूंढने लग जाते थे, मतलब एनर्जी तो आपकी पहले भी अच्छी थी इनकी नज़र में, बट अब आपको देखते हैं कि अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, करेजियस हो, स्ट्रांग हो, खूबसूरत हो, अच्छा ड्रेसिंग सेंस आपका हो गया है, पावरफुल हो गए हो, पोजीशन अच्छी हो गई है,
मतलब हर तरीके से एक ऐसे इंसान बन गए हो जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और वो मतलब उनको लगता है कि अब आप पूरी तरीके से एक चेंज पर्सनालिटी हो, पहले जैसे नहीं हो। ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, और इनको भी कभी कभी कहीं ना कहीं लगता है कि आप भी इनकी तरफ से आप वेट कर रहे हो कि ये आपको किसी तरीके का ऑफ़र करें, आपकी तरफ आएँ, इस तरीके का ये इनको लगता है कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इनको इतना पता है क्योंकि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो तो अपनी तरफ से तो नहीं करोगे इनको अप्रोच, ठीक है। बेचैनी बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेस नाइट इनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको इन्होंने जो पास्ट में किया है उन चीज़ों को ये एंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, सारी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। डिले हैं, इस वजह से इनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा है, और ये आपको भी ऐसे देखते हैं कि शायद हो सकता है कि आप भी इस तरीके की, मैं मुझे पता नहीं क्यों ये आपकी एनर्जी नहीं लग रही, मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन ही आपकी तरफ आने के लिए परेशान हो रहे हैं। इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको स्लीपलेस नाइट है, इनको एक्चुअली बेचैनी है, ये चाहते हैं चीज़ों को सही से जल्दी से फिर से बदल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। ये अपना ऑफर आपको देना चाहते हैं, पर शायद अब आप ले नहीं रहे हो, ये आपकी तरफ से एक वेटिंग एनर्जी, मतलब वेट कर रहे हैं ये आपका, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कभी कभी आपके पर्सन को आपके बारे में भी ऐसा लगता है कि आप वैसे तो कॉन्फिडेंट हो, लेकिन शायद आप लोगों की बातों में आ जाते हो। अगर आपके केस में, अगर ये आप पे पॉइंट सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जहाँ आपके पर्सन को लगा या तो आप अपनी माँ की बात बहुत ज़्यादा मानते हो, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स इन लोगों को इतना ज़्यादा कंसिडर करते हो कि उनकी हर बात मान लेते हो आप, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पर्सन का भी मूड ख़राब होता है और आपका भी ख़राब होता है, ठीक है। आप अपने आप ही लोगों की बातों में आ जाते हो और आपका मूड ख़राब कर लेते हो, ठीक है। इमोशंस बहुत हैं हाई अभी भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है। वेटिंग एनर्जी है ये आपका, वेट कर रहे हैं फाइनेंसिस के आने का, वेट कर रहे हैं आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाने की कोशिश तो की थी, आपको चीट किया था, सब कुछ किया था, बट स्टिल ये आपको भूल नहीं पाए और ये फिर से वापस आना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनके दिल दिमाग में हर जगह कब्जा करके बैठे हुए हो और आप निकल नहीं रहे हो। दूसरी तरफ ये खुद भी आपको निकालना नहीं चाहते, क्योंकि ये आपको घुमाना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ में चले जाओ, तो इस वजह से ये चीज़ों को फिर से रिनोवेट करना चाहते हैं नए तरीके से। आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको तो देख ही रहे हैं कि आप में बहुत बदलाव आ गया है, खुद भी बदलाव मतलब लाना चाहते हैं अपने अंदर और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप क्वीन ऑफ वेंड्स की जो मैंने क्वालिटीज़ बताई उनके साथ अगर आप मैच नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन अभी वेट कर रहे हैं आपके अंदर एक बदलाव का, ठीक है। अगर आप पहले के जैसे हो, तो अगर आपने कोई चेंज आप में अब तक नहीं आया है, तो वहाँ पे आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपके अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशन का, उस बदलाव का, ठीक है। चीटिंग वगैरह यहाँ पे हुई है, कोई प्लानिंग फेल हुई है, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, बट यहाँ पे दो सिचुएशन हैं। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो लोग हो सकते हैं, जैसे एक तरफ इनकी मदर हैं, फैमिली है, एक तरफ आप हो, तो ये नहीं कर पा रहे ना, मदर की बातों को भी इग्नोर नहीं मार पा रहे हैं, यहाँ पे चीज़ है। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि इसमें क्या है, ये देखते हैं किसकी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, मैं डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ था, नो इशू, ठीक है। सक्सेस, ये अब जल्दी से, मैंने पहले भी बोला था वही चीज़, ये इन्हीं की एनर्जी है, ये जल्दी से सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, चाहते हैं चीज़ें बदलाव आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं ये, फिर से चीज़ों को नए सिरे से आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, जल्दी हो नहीं रही हैं, तो इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनसे वापस पहले की तरह प्यार करोगे, फिर से आपके साथ चीज़ें सही होंगी, ठीक है यहाँ पे, और ये हो नहीं पा रहा है। ये सक्सेस पाना चाहते हैं, आपको शादी के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसा कुछ करने नहीं दे रहे हो इनको, इस वजह से इनको बेचैनी हो रही है, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए। तो आपके पर्सन की वापस आपके पास आने की एनर्जी दिखाई देती है कि ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। अगर आप में बदलाव ऐसा नहीं है, अगर आप अभी भी रोध हो रहे हो, क्वीन ऑफ वेंड्स की कंडीशन में नहीं आए हो, और आप चाहते हो कि आपका पर्सन वापस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो पहले आप क्वीन ऑफ वेंड्स वाली कंडीशन में आइए। चलिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। टुडे आई नीड ओनली थ्री कार्ड्स, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े पास में बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपसे हेट गुस्सा है, नफरत करते हैं, बट फिर भी आप इसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर सो स्वीट, ये मानते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, तो वो तो दिख ही रहा है, ये पास्ट में भी आपको एडमायर करते थे, अभी भी करते हैं। प्लीज़ डिवाइन वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, यस, ये आपके बगैर खुश नहीं है, डेफिनेटली ये खुश नहीं है, इसीलिए आपके पास ये वापस आना चाहते हैं। यू आर अ चीटर, बट इनको यही लग रहा है कि तुम चीटर हो, ठीक है, इन्होंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था जो आप कर रहे हो, ठीक है। चलिए मैं डिवाइन की गाइडेंस देख लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग मैं छोटी ही रखने वाली हूँ। चलो अच्छा, डिवाइन ये देख लेते हैं कि डिवाइन आपके लिए किस तरह से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। होप की एनर्जी है, द वेटिंग गेम की एनर्जी है, यस, आप लोग एक लूप में फंसे हुए हो, अभी कुछ वेटिंग गेम है, कुछ आपको सीखना है, 2 नंबर 17 नंबर 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक होप, एक उम्मीद की एनर्जी है यहाँ पे कि आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है कि चीज़ें एक दिन यहाँ पे सब सही हो जाएंगी, आपको परेशान नहीं रहना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग गेम है। वेटिंग गेम इसलिए है कि कुछ हैं जो आपको सीखना है, या तो कुछ कर्मा आप लोगों का है, या कार्मिक सिचुएशन, जो फैमिली या जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, ये कार्मिक सिचुएशन है, और ये जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं हो जाएगा इनके साथ में या आपके पर्सन के साथ में, तब तक ये चीज़ें आपके बीच में रहेंगी और आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। तो फटाफट अपना कर्मा क्लियर करो, और फिर आपके यूनियन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, होपफुल रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, सब्सक्राइब कर दो, चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11:11, आप चाहें तो उसे भी जा करके देख सकते हो, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे लगे वीडियोज़ देखना, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना वहाँ पे भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए। ओके, देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू करेक्ट इट, टू करेक्ट इट। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ है जो इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब ये इम्बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है, और जो कर सकते हो वो करो, और इस इम्बैलेंस को आप करेक्ट करो, सही करो। अब इम्बैलेंस कैसे हो सकता है कि जैसे मैंने पहले भी कई अपने वीडियोस में ये बताया है, क्योंकि एक कार्ड है जो खास हैं, कॉमन आते ही आते हैं। आपको क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, और अगर आपका बिल्कुल ही मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल गए हो आप, तो आप एक गृहस्थ हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको उस धर्म का पालन भी आपको करना है अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हो मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कट गए हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, और थोड़े से मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर भी फोकस अपना करिए। अगर आप सपोज बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हो, स्पिरिचुअलिटी को आप बिल्कुल ही भूल गए हो, और आपके लिए वो मैटर ही नहीं करते, बहुत पैसा, रुपए, कपड़ा, पोजीशन, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, तो भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल हो गए हो, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, तो कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी है, तो किसी भी एक्सट्रीम में आपको नहीं जाना है, आपको चीज़ों को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। बैलेंस में लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है खुद की चक्र बैलेंसिंग करना, हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, तो आप वो स्टार्ट करो। चक्रास क्या होते हैं ये मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है, हमारा लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11:11 वाला जो वीडियो है उसमें जाकर के देख लो, उसमें वीडियो पड़ी हुई है, बाकी यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, और कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं, तो दोनों चैनल पे जाकर देख लेना। जब आप बैलेंस हो जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी के सारे एरिया जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी, अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।